चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी YouTube वीडियो के लिए एक अच्छी क्वालिटी के साउंड या ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट क्वालिटी के माइक्रोफोन के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता है यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी फुल HD में क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी ऑडियो क्वालिटी दमदार नहीं होगी तो कोई भी हमारी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। और एक दमदार ऑडियो क्वालिटी के लिए भी हमें एक दमदार माइक्रोफोन की भी जरूरत पड़ती है, जिससे हम एक अच्छी क्वालिटी का जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन बात निकल के ये आती है कि यार बजट में भी ठीक ठाक हो और दमदार क्वालिटी का ऑडियो वो भी रिकॉर्ड करे, ऐसा कौन सा माइक्रोफोन है। तो दोस्तों, आज मैं माइक्रोफोन है वो परचेज करके लेके आया हूं, जिसकी ऑडियो क्वालिटी भी दमदार है और बजट में भी भैया बढ़िया है। और वो माइक्रोफोन है, आप यहां, मैं स्क्रीन पे आपको यहां पे दिखा देता हूं, बोया का माइक्रोफोन है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो, ये बोया का माइक्रोफोन है। आज मैं इसी बोया के माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा, इसकी साउंड क्वालिटी है वो टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, इसकी प्राइस के बारे में भी आपको बताऊंगा। और आप इस माइक्रोफोन को भैया मोबाइल और कैमरा दोनों में आप यूज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इस बोया वाले बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये है वो बोया का माइक्रोफोन जिसकी सीरीज है BY-MM1। जब आप इसे मार्केट से परचेज करके लेके आओगे तो इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, और इस बॉक्स के बिल्कुल फ्रंट में आपको इस माइक्रोफोन की इमेज है वो देखने को मिल जाएगी। और इस माइक्रोफोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस माइक्रोफोन को आप मोबाइल में यूज कर सकते हो, टेबलेट में यूज कर सकते हो, लैपटॉप PC में यूज कर सकते हो, किसी भी प्रकार का जो DSLR कैमरा है उसके अंदर आप आसानी से यूज कर सकते हो। और दोस्तों, इसी बॉक्स के बिल्कुल फ्रंट में आपको यहाँ पे एक स्टिकर है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको QR कोड मिलेगा। इसे आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है या फिर जो माइक्रोफोन वो असली है नकली है, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा लगाया जाता है कि ये फेक है या फिर सही है। जो फेक होगा उसके ऊपर आपको ये स्टिकर वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस बॉक्स के पिछले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे देखिए QR कोड है वो दे रखा है और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रखी है कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्मार्टफोन, टेबलेट, DSLR कैमरे में आप इसे यूज कर सकते हो, और नो बैटरी रिक्वायर्ड, यानी इस माइक्रोफोन को यूज करने में आपको किसी प्रकार की बैटरी या सेल की जरूरत है वो नहीं पड़ने वाली, डायरेक्ट ये काम करने वाला है। और इसके साथ यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक वो मिलेगा, जिससे आप इसे मोबाइल के साथ भी कनेक्ट है वो कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो जैसे अपन इसको अनबॉक्स यहाँ पे करते हैं और जब इसको फर्स्ट टाइम में अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसे मैं ओपन है वो कर लिया मैंने, ये कुछ अंदर से मामला निकला, खाली है बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, बॉक्स को मैं साइड में वो रख देता हूँ। और यहाँ पे आपको बोया के कुछ स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, और ये गारंटी कार्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को है वो भी मिल जाएगा, और इसके साथ इसकी जो यूजर गाइड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना अब तक तो किसी ने इसको पढ़ा नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। इस बॉक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ सेफ्टी के लिए इसको भी मैं दूर रखता हूँ, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक केबल है वो देखने को मिल जाएगी, जिसको आप अपने DSLR कैमरा और इस माइक्रोफोन के साथ वो कनेक्ट है वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए एक दूसरी और मेन केबल है वो देखने को मिल जाएगी, ये वो 3.5 mm वाला जैक है जिसके साथ आप अपना जो मोबाइल है मोबाइल के साथ इस माइक्रोफोन को कनेक्ट है वो कर सकते हो। और इसी के साथ एक माउंट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कैमरे के साथ, या फिर ट्राईपोर्ड के ऊपर आप इस माइक्रोफोन को लगाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो यहाँ में इसके द्वारा लगा सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे आपको इसको यूज करना है। इसके साथ यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ छोटा सा बैग है वो मिल जाता है इसकी सेफ्टी के लिए, और बैग बड़ा मजबूत लग रहा है फ्रेंड्स मुझे, यहाँ पे लेदर का है, लेदर का ये बैग है, इसके अंदर आप इस माइक्रोफोन को डाल सकते हो, इसकी सेफ्टी है वो आप कर सकते हो, मिट्टी वगैरह वगैरह से आप बचा सकते हो, बहुत ही अच्छा ये बैग है, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। इसके साथ यहाँ पे एक छोटा स्टिकर दिया है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है, हमारा जो माइक्रोफोन है इसको मैं बाहर निकालता हूँ, आ जा रहे बाहर आ जाओ आप, ये आ गया हमारा माइक्रोफोन, आप यहाँ पे देख सकते हो बोया BY-MM1 है इसकी सीरीज है वो लिखी हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये जब आप परचेज करोगे तो इस तरह का ये जो माइक्रोफोन है आपके पास है वो आने वाला है। इसके देखिए सर बहुत बड़ा है, इसकी सेफ्टी के लिए दिया गया है, हालांकि ये केवल इसकी सेफ्टी नहीं करता है, ये जो नॉइस होती है नॉइस से भी इसको है बचाता है, ये हमारी वॉइस को है वो बचाता है।
अगर बाहर का कोई नॉइस आ रही है, जैसे कोई फोन की आवाज आ रही है, बाहर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इधर उधर से आवाज आ रही है, तो ये जो साइड की जो आवाज है वो कैप्चर नहीं करेगा। इससे हमारी जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ही बेस्ट है वो निकल के आती है। केवल इसके सामने जब आप बोलोगे, इसके जैसे मान लीजिए आपने इसको मोबाइल पे लगा रखा है या कैमरे के ऊपर लगा रखा है, तो केवल अगर इसके सामने से बोलोगे तो वही जो वॉइस है, वही जो ऑडियो है वो ये कैप्चर करेगा, इधर उधर की वॉइस है बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करेगा, यानी नॉइस है इसके अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आने वाली, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वो भी बिल्कुल शानदार है फ्रेंड्स। अब मैं इसको आपको यूज करके दिखाता हूं, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको मैं टेस्ट करके वो दिखाता हूं। देखिए प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, अब इसको अपन यूज करेंगे और किस तरह की ये साउंड क्वालिटी आती है वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो चलिए इसकी साउंड क्वालिटी है वो अपन चेक करते हैं और इस फिटके को मैं यहाँ पे बंद है वो करता हूँ। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के बाद अब अपन इसकी जो साउंड क्वालिटी उसको अपन टेस्ट करते हैं। देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ या फिर हमारी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो, तो भैया फिलहाल मैं यहाँ पे मोबाइल से है वो साथ साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये मोबाइल की ऑडियो क्वालिटी है, ये सैमसंग का मोबाइल है, किसी दिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको जो मैं DSLR कैमरा वो यूज कर रहा हूँ, कैनन 200D है, उसकी जो मेन ऑडियो है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कैमरे से कैसे रिकॉर्ड होती है, तभी तो आप यार साउंड टेस्ट का वो पता लगा पाओगे। तो देखिये फिलहाल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब आप ये जो सुन रहे हो ये भैया कैमरे की ऑडियो क्वालिटी आप देख रहे हो, कोई ज्यादा मुझे दमदार नहीं लग रही है ये जो कैमरे की क्वालिटी है। अब मैं आपको यहाँ पे ये जो माइक्रोफोन है ये बोया वाला, जिसको अभी मैं माउंट करूंगा और इसको मैं आपको सुनाऊंगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। हालांकि मैंने अनबॉक्सिंग में, देखिए नीचे गिर गया है एक बार, अनबॉक्सिंग में मैंने आपको ये माउंट करके ये आपको नहीं दिखाया था कि किस तरह से आपको ये माउंट करना है। तो देखिए ये जो माउंट वाला है इसको यहाँ पे आपको फंसा देना है इसके अंदर, इस तरह से ये आसानी से है वो फंस जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वो नहीं होने वाली है। अब इसको आप आसानी से है आप अपने कैमरे के ऊपर है वो लगा सकते हो, ट्राईपोड के ऊपर है वो भी आप लगा सकते हो। चलिए अब मैं इसको एक बार कैमरे पर माउंट करता हूँ, उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी वो आपको मैं चेक कराता हूं। तो दोस्तों फाइनली मैंने माइक्रोफोन को मेरे कैमरे पे है वो माउंट कर लिया है। हालांकि कैमरा और मेरी जो बीच की दूरी है वो तकरीबन 5 या 6 फुट की है, और फिलहाल आप ये जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये इसी माइक्रोफोन की है, बोया MM1 की ये ऑडियो क्वालिटी है। तो आप इस ऑडियो क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी वो लग रही है, कि एक तो नॉर्मली कैमरे से अपन रिकॉर्ड कर रहे थे वो अच्छी थी, या फिर इस मोबाइल से साथ साथ में जो रिकॉर्डिंग हो रही है वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो अच्छी लग रही है, या फिर बोया वाले ये जो माइक्रोफोन है इसकी जो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो क्वालिटी है आपको अच्छी लग रही है, कौन सी सबसे ज्यादा आपको बेस्ट लग रही है वो कमेंट करके है मुझे जरूर बताना। और दोस्तों यहां पे एक बात और आपको कहना चाहूंगा, देखिए जैसे जैसे मान लीजिए ये जो माइक्रोफोन है आपने कैमरे के ऊपर माउंट कर रखा है या फिर अपने मोबाइल फोन के ऊपर माउंट कर रखा है, जैसे जैसे आपकी और ये माइक्रोफोन की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी जो साउंड क्वालिटी वो भी कम होती जाएगी। जैसे आपकी जितना ये नजदीक रहेगा वैसे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसको मैंने काफी अच्छी तरह से यूज किया है, यूज करने के बाद भी मैं आपको इसके बारे में इसका रिव्यू है वो बता रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, क्योंकि ये भी जरूरी है कि देखिए प्राइस में कोई ज्यादा महंगा नहीं है। दोस्तों ये इसकी जो कीमत रहती है जब आप इसे ऑनलाइन परचेज करोगे तो तकरीबन 1400 रुपए से लेकर 1500 के आसपास इसकी जो कीमत है वो कम ज्यादा है होती रहती है। अगर आपको परचेज करना है और इसकी कीमत देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप परचेज है वो कर सकते हो। हालांकि फाइनली मैंने इसे परचेज कर लिया, आगे से मैं ऑडियो जो क्वालिटी है इसी के द्वारा आपको देने वाला हूं। साउंड क्वालिटी आपको कैसे लगी और हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और चैनल पे नए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, और नोटिफिकेशन है उसे भी आप ऑन है वो कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।